मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में गैर मुल्की मदाखलत पर साबिक गवर्नर जनरल रिपोर्ट जारी करने के लिए तैयार। कैनेडियन हुकूमत को बैरूनी मदाखलत पर मजीद बेहतर अंदाज में काम करने के लिए मदद मिलेगी। रिपोर्ट में चीन की सिफारती मौजूदगी की वसत पर रोशनी डाली गई है। मिसिसागा की मेयर बॉनी क्रॉम्बी ऑन्टारियो लिबरल पार्टी की क़यादत संभालने के लिए पुरुमीद। पार्टी के अरकान 25 नवंबर और 26 नवंबर को अपना वोट कास्ट करेंगे। ऑन्टारियो के लिबरल्स 2 दिसंबर को स्टीवन डील डॉका की जगह एक नए रहनुमा का ऐलान करेंगे। कनाडा में जंगलात में लगी आग कम होने की उम्मीद। सूबे अल्बर्टा में बारिश का इम्कान। फायर फाइटर्स की मुश्किलात कम होने की उम्मीद। अल्बर्टा की जंगल की आग का धुआं मशरकी अमरीका तक हवा के मयार को मुतासिर करने लगा। सुपर पावर अमरीका के दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया। अमरीकी सदर की सूरत हाल की रोकथाम और कर्ज की हद बढ़ाने के लिए हाउस स्पीकर से मुलाकात। अमरीकी सदर का कहना था कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान वाहिद रास्ता मुहायदा है। रजब तैयब उर्दवान के दोबारा सदर बनने के इम्कान रोशन। तुर्किया के इंतखाबात में 30वें नंबर पर रहने वाले रहनुमा का तैयब उर्दवान की हिमायत का ऐलान। 30वें नंबर पर आने वाले सनान ओआन ने 5.28% वोट हासिल किए थे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन मंगल को गैर मुल्की मदाखलत के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के साबिक गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन मंगल को गैर मुल्की मदाखलत के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल अफेयर कनाडा के फराहम करदा नए आदाद शुमार चीन की सिफारती मौजूदगी की वसत पर रोशनी डाली गई है। माहरीन का कहना है कि इंक्वायरी से इस बारे में तफसीली शफाफ बातचीत की इजाज़त मिलेगी कि कनाडा को दर हकीकत किस किस्म के खतरे का सामना है। उनका कहना है कि इससे लिबरल हुकूमत को ये जाहिर करने का मौका मिलेगा कि वो इस मसले को हल करने के लिए मजीद काम कर रही है। इंक्वायरी पर जॉनस्टन की सिफारिश एक इब्तदाई रिपोर्ट के हिस्से के तौर पर आने वाली है कि हुकूमत को मदाखलत के इल्जामात के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीरे आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में गैर मुल्की मदाखलत की हद और असरात की तहकीकात की क़यादत करने के लिए मार्च में जॉनस्टन की तकर्री का ऐलान किया था। वफाकी हुकूमत ने कहा कि उसने जॉनस्टन को इस काम को अंजाम देने के लिए खुफिया दस्तावेजात और कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज तक रसाई दी। माहरीन ने कहा कि एक इंक्वायरी से बातचीत को वापस लाने में मदद मिलेगी। खुद बैरूनी मदाखलत के खतरे की तफसीलात और कनाडा को इस खतरे से निमटने के लिए खुद को किस तरह पोजीशन में रखना चाहिए। जबकि बरसों से कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस अपनी सालाना रिपोर्ट्स में बढ़ती हुई तशवीश के बारे में खबरदार कर रही है। चूंकि ट्रूडो ने मार्च के वस्त में जॉनस्टन को खसूसी नुमाइंदे के तौर पर नामजद किया था, हुकूमत ने अपने 2023 के बजट में गैर मुल्की मदाखलत से निमटने के लिए फंड्स फराहम करने का वादा किया। गैर मुल्की एजेंट की रजिस्ट्री पर मशावरत शुरू की और सिक्योरिटी एजेंसीज को सियासी सतह तक अपनी रिपोर्टिंग के तरीक़ेकार को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। कैनेडियन सूबा ऑन्टारियो के शहर मिसिसागा की मेयर बॉनी क्रॉम्बी ऑन्टारियो लिबरल पार्टी की क़यादत के लिए इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रही हैं और उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो के शहर मिसिसागा के मेयर बॉनी क्रॉम्बी ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी की क़यादत के लिए इंतखाब लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी तशकील दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 63 साल क्रॉम्बी से तवक्को है कि वो बाद की तारीख में बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर्ड होंगे। यह खबर सूबाई हुकूमत की जानिब से पील रीजन को तहलील करने के चंद दिन बाद सामने आई है, जिससे मिसिसागा, ब्रैम्पटन और कैलेडन के लिए 2025 तक आज़ाद शहर बनने की राह हमवार हो गई है, जिसका वो तवील अरसे से मुतालबा कर रही थी। मिसिसागा की मेयर के तौर पर क्रॉम्बी के 2014 के इंतखाब से पहले उन्होंने सिटी काउंसलर के साथ साथ मिसिसागा स्ट्रीट्सविल के लिए रुकन पार्लियामान के तौर पर भी खदमात अंजाम दी। ऑन्टेरियो के लिबरल्स 2 दिसंबर को स्टीवन डील डॉका की जगह एक नए रहनुमा का ऐलान करेंगे, जिसने गुज़िश्ता साल के इंतखाबात में मुसलसल दूसरी मुहिम के लिए मुकन्ना में पार्टी की बाज़ाब्ता हैसियत हासिल करने के लिए काफ़ी नशस्तें ना जीतने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। मेयर ने कहा कि यह उसकी म्यूनसिपल्टी को 10 सालों में $1 बिलियन की बचत करेगा और इसे मजीद मौसर बनाएगा। वो कहती हैं कि रीजन ऑफ पील को पहली जगह ब्रैम्पटन की तरक्की के लिए फंड्स फराहम करने के लिए बनाया गया था। वफाकी रुकन पार्लियामेंट और साबिक सूबाई काबीना के वजीर यासिर नकवी ने लिबरल MPPs टेट्सो और आदिल शामजी के साथ कहा है कि वो सूबाई पार्टी क़यादत के लिए बोलियां तलाश कर रहे हैं। पार्टी के अराकीन 25 नवंबर और 26 नवंबर को दर्जाबंदी के बेल्ट के जरिए अपना वोट कास्ट करेंगे, जिसमें लिबरल्स अगले हफ्ते के आखिर में राउंड बाय राउंड नतीजे का ऐलान करेंगे। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा और शुमाली ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग से उठने वाले धुएं ने कई अमरीकी रियासतों को अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हल्की बारिश और ठंडे दर्जा हरारत ने तवील वीकेंड के दौरान अल्बर्टा में जंगल की आग की सरगर्मियों को सुस्त कर दिया और पेशन गोई में ज्यादा बारिश आग के रिकॉर्ड तोड़ मौसम के दौरान फायर फाइटर्स को सांस लेने में मदद कर सकती है। अल्बर्टा और शुमाली ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग से उठने वाले धुएं ने कई अमरीकी रियासतों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे न्यूयॉर्क तक मशरक और शुमाली कैरोलिना तक जुनूब में हवा के मयार और हद निगाह मुतासिर हुई है। जंगलात के तहफ़ के इलाकों में 81 जंगल की आग लगी है, जिनमें से 23 को काबू से बाहर समझा जाता है। 9,45,000 हेक्टर से ज्यादा जल चुका है और 10,000 से ज्यादा अल्बर्टन के इनखिला के अहकाम जारी हैं। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में अल्बर्टा वाइल्ड फायर इंफॉर्मेशन यूनिट के मैनेजर क्रिस्टी टिकर ने इस बात का आदा किया कि ये जंगल की आग का एक गैर मामूली सीजन रहा है। रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा फाल मौसम बहार 2019 में आखिरी सेट को पीछे छोड़ते हुए जब 6,15,000 हेक्टर जल गया था। टिकर ने कहा कि मैं जानती हूं कि आज कुछ बारिश देखकर हम सबको सुकून मिला है और हमें मजीद आने की उम्मीद है। ये आग बुझाने वाले अमले के लिए एक अहम मोड़ हो सकता है जो वहां आग पर काम कर रहे हैं। टिकर ने कहा कि बड़े पैमाने पर जंगल की आग की अक्सरियत में इतवार से मुख्तलिफ डिग्रियों से कुछ बारिश हुई है, जिसके फवायद कई गुना है। ठंडा दर्जा हरारत, इजाफी नमी और पौधों में ज्यादा नमी आग बुझाने की कोशिशों पर मुस्बत असर डालेगी। टिकर ने कहा कि इसमें 17 एजेंसीज के तकरीबन 2900 फायर फाइटर्स शामिल हैं। इसके अलावा म्यूनसिपल और काउंटी के हंगामी खिदमात से बहुत से लोग शामिल हैं। मजीद 100 कैनेडियन फौजी भी लड़ाई में शामिल हो गए हैं, जिससे फौज के दस्ते की तादाद 400 हो गई है। एनवायरमेंट कैनेडा ने मगरबी अल्बर्टा के एक बड़े हिस्से के लिए एक इंतबाह जारी किया, जिसमें कहा गया है कि हफ्ते के वस्त तक कुल 50 से 75 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब अल्बर्टा और शुमाली ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग से उठने वाले धुएं ने कई अमरीकी रियासतों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे न्यूयॉर्क तक मशरक और शुमाली कैरोलिना तक जुनूब में हवा के मयार और हद निगाह मुतासिर हुई है। नेशनल वेदर सर्विस का कहना है कि मंगल की शाम तक ज्यादातर रियासतों में धुआं खत्म होने की तवक्को है। अमरीका में धुएं की तवील रसाई के बावजूद कनाडा के सूबों में आग के मराकज के करीब हवा का मयार बदस्तूर खराब है। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली कनाडा के एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक अल्बर्टा, BC, मैनिटूबा और सैस्कीचुआन के कुछ हिस्सों में लोग पीर की सुपहर तक धुएं की वजह से या तो मामूली या ज्यादा सेहत के खतरे में थे। अमरीका का दिवालिया होने का खतरा शदीद होने लगा, ताहम जो बाइडन ने इस इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका का दिवालिया होने का खतरा शदीद होने लगा, ताहम जो बाइडन ने इस इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया। सुपर पावर अमरीका के दिवालिया होने का खदशा पैदा हो गया। 10 रोज बाकी रह गए, 1 जून से पहले कर्ज हासिल करने की हद में इजाफे की डील ना हुई तो 31.4 खरब डॉलर्स की मकरूज दुनिया की सबसे बड़ी मईशत क्रैश कर जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सूरत हाल की रोकथाम और कर्ज की हद बढ़ाने के लिए हाउस स्पीकर से मुलाकात भी की।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने दिवालिया होने के खतरात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि मेज पर डिफॉल्ट कोई ऑप्शन नहीं है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के दरमियान वाहिद रास्ता मुहायदा है। जो बाइडन पुर उम्मीद है कि दोनों फरीक समझते हैं कि तातुल को हल करना अहम जिम्मेदारी है। हाउस स्पीकर कियोन मैककार्थी का कहना है कि जो बाइडन से मुलाकात मुस्बत रही मगर कोई डील ना हो सकी। उन्होंने कहा कि अमरीकी मईशत डिफॉल्ट कर गई तो उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। इससे कबल अमरीकी वजीर खजाना ने खबरदार किया था कि अगर कर्ज की हद ना बढ़ाई गई तो 1 जून तक अमरीका डिफॉल्ट हो जाएगा। कांग्रेस कर्ज की हद बढ़ाए या हद को मुअत्तल कर दे। कुछ रोज कबल आलमी मालियाती फंड ने खबरदार किया था कि अगर अमरीका डिफॉल्ट हुआ तो उसके आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब होंगे। IMF का कहना था कि मुल्की कर्जों में तेजी से बढ़ते इजाफे के बायस डिफॉल्ट का खतरा सिर्फ अमरीका के लिए ही नहीं बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खतरनाक है। तुर्किया में 14 मई को होने वाले सदारती इंतखाबात में तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार सनान ओआन ने तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तुर्किया में 14 मई को होने वाले सदारती इंतखाबात में तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार सनान ओआन ने तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान की हिमायत का ऐलान कर दिया। सनान ओगन एक कौम परस्त हैं जो इंतखाबी मुहिम से पहले अवामी सतह पर बहुत कम जाने जाते थे। ताहम हैरानकुन तौर पर उन्होंने 14 मई को होने वाले इब्तदाई सदारती इंतखाबात में 5.2% हिमायत हासिल की जिस पर कुछ तजियाकारों ने उन्हें एक मजबूत हरीफ करार दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सनान ओआन ने मीडिया टॉक में 28 मई के सदारती मुकाबले में सदर अर्दोगान के लिए अपनी हिमायत का ऐलान किया। सनान ओगन की जानिब से अर्दोगान की हिमायत के ऐलान के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ़ के उम्मीदवार कमाल कलीचदार ओग्लू के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। वाज़ेह रहे कि तुर्किया का सदर बनने के लिए सदर अर्दोगान और हरीफ कमाल कलीचदार ओग्लू के दरमियान 28 मई को दोबारा मुकाबला होगा। 14 मई के सदारती इंतखाब में सदर अर्दोगान और हरीफ कमाल कलीचदार ओग्लू 50% से ज़ायद वोट नहीं ले सके थे। सदर अर्दोगान के 49.24% और अपोजिशन उम्मीदवार कमाल कलीचदार ओग्लू के 45.07% वोट थे जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले सनान ओआन ने 5.28% वोट हासिल किए थे। अब 28 मई को जीतने की सूरत में सदर अर्दोगान मजीद 5 साल के लिए तीसरी और आइनी लिहाज से आखिरी बार तुर्किया के सदर बन जाएंगे। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।